हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी विजेंद्र चौहान। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू चैप्टर क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। अब ये वैसे तो एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर चार सब टॉपिक्स है। कौन कौन से चार सब टॉपिक्स है? सबसे पहला है फर्स्ट रेशियो, सेकेंड है हमारा परसेंटेज, थर्ड है सिंपल इंटरेस्ट और फोर्थ है कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट रेशियो, सेकंड परसेंटेज, थर्ड सिंपल इंटरेस्ट, फोर्थ कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट टू एक्सरसाइज में मिक्स्ड है और प्लस इसमें प्रॉफिट लॉस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले इनकी दोनों का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उन दोनों का अलग से करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो, रेशियो जो वर्ड बना है वो बना है रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप यानी कि किसी दो क्वांटिटीज में, जैसे किसी बोले दो इंसानों में क्या रिश्ता है, तो ऐसे ही क्वांटिटीज में क्या रिश्ता है। क्वांटिटीज में क्या हो सकता है? किसी से छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ ना कुछ टाइप हो सकती है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक है 4 और एक है 6। इनमें क्या रिलेशन है? अगर हमें ये निकालना है तो उसके बीच में हम रेशियो लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा रेशियो। रेशियो में क्या कैसे होता है? रेशियो में ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटिटी डबल हो रही है तो दूसरी भी डबल होगी। अगर आप एक में किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी में भी करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया 8 हमारा और ये हो गया 12। ऐसे सिमिलरली अगर आप एक क्वांटिटी में डिवाइड कर रहे हो तो दूसरी में भी डिवाइड करना पड़ेगा उतने ही नंबर से। कितना हो गया? 8 हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3। तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। रेशियो को हमें तब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जाना है जब तक वो कुछ सिंपल रेशियो में नहीं आ जाता। इससे आगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हो गया हमारा सिंपल रेशियो। अब सपोज कीजिए एक चीज बोली गई है अपने क्वेश्चन में कि दो पर्सन है ए और बी, उन दोनों ने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, वो उन्होंने रेशियो में लगाया है 2:3 में। ए ने रेशियो 2 में लगाया, एक ने 3 में लगाया। तो अब उनको प्रॉफिट हुआ बाद में 1,00,000 रुपए। बिजनेस में पैसे लगा दिए उन्होंने इस रेशियो में और वो प्रॉफिट हुआ इतना। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? इसको पार्टनरशिप भी बोलते हैं, तो लेकिन ये रेशियो से निकलती है। तो कैसे करेगा हम इसको? तो सिंपली क्या करते हैं हम, ए का रेशियो 2 है और बी का 3 है। तो अगर हमें ए निकालना है इसमें से तो क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग रेशियो यानी कि इसके सामने जो रेशियो क्वांटिटी के वो नीचे ऊपर आएगा, नीचे आएगा टोटल रेशियो। 2+3 कितना हो गया? 5 और मल्टीप्लाई में वो क्वांटिटी 1,00,000 को डट के लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो 2 5 2 जा 22 जा कितना हो गया? 40,000 रुपीज ए का पार्ट हो गया। देखिए एक बार बताता हूं आपको, जैसे हमने एक रेशियो लिया था 4:6 का, हमने पहले बताया कि उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक में दूसरे में भी करना पड़ेगा, एक में डिवाइड करेंगे दूसरे में भी करना पड़ेगा। तो एक बार रेशियो सिंपलेस्ट बना लिया 2:3। अब सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि उसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं और वो जो पैसे लगाते हैं कंपनी में वो 2:3 में लगाते हैं। तो ईयर के एंड में उनको 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो उसको आपस में कैसे बांटेंगे, ए का शेयर कितना होगा? तो अगर हमें ए का शेयर निकालना है रेशियो से, देखो रेशियो, अगर हमारे पास रेशियो में दो क्वांटिटीज है उनमें से एक क्वांटिटी हमें निकालनी है कि रियल लाइफ में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे करते हैं, पहले उसका कोरस्पोंडिंग रेशियो कर लेते हैं। से ए का पार्ट निकाल रहे हैं, ए का रेशियो 2 है तो 2 ऊपर लिया, नीचे हम लेते हैं उसका टोटल रेशियो 2+3 5, तो मल्टीप्लाई में जो टोटल प्रॉफिट है कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके 40,000 आ गया। तो ये पर्पज है रेशियो का, क्लियर है? इसके बाद और भी बहुत सारे यूज है रेशियोज के,
जैसे कि टू कार्स है ए एंड बी, ऐसे दिया है अगर कार ए 60 किलोमीटर चलती है, जितने टाइम में कार ए 60 किलोमीटर चलती है उतने ही टाइम में कार बी 100 किलोमीटर चलती है। क्वेश्चन में दिया है जितने टाइम में कार ए 60 किलोमीटर चलती है उतने ही टाइम में कार बी 100 किलोमीटर चलती है, देन के बीच में रिलेशन हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने बीच में रेशियो लगा दिया। अब हमें पूछा है अगर कार बी, इफ कार बी 650 किलोमीटर चलती है तो कार ए कितना चलेगी, कार टू कार से कार ए कार बी, अगर कार ए 60 किलोमीटर चलती है तो कार बी 100 किलोमीटर चलती है, तो अगर कार बी किसी जर्नी में 650 किलोमीटर चली है उतने ही टाइम में कार ए कितने दूर जाएगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रेशियो अगर इसको सोल्व कर लेते हैं 20 में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 20 बी जा 25 जा 3:5। तो देखिए हमने तो कैंसिल कर दिया 20 पे 23 जा 60 और 25 जा 100, तो ये हो गया रेशियो। अब बोला है कि कार बी 650 किलोमीटर जा रही है तो कार ए कितनी दूर जाएगी कितने टाइम में, तो इस केस में हमें कार ए जो हमें निकालना होता है उसका रेशियो ऊपर रखते हैं, नीचे जो गिवन है पिछले में क्या था टोटल प्रॉफिट दिया था तो हमने दोनों रेशियो को ऐड कर दिया था, अब टोटल नहीं दिया है सेकंड पार्ट का दिया है तो वो सेकंड पार्ट हमेशा हमारा नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 650 किलोमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 5 पे कैंसिल हो जाएगा ये 130 तो 3 3 390 किलोमीटर, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। एक बार बता देता हूं हमने क्या किया, इसका सिंपल रेशियो बनाया, सिंपल रेशियो बना के कार बी का दिया 650 तो हमने लगा दिया 650, वैसे ही काफी ग्रेट ले रही है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, वहां लिखा हुआ है ऐसे ऐसे अलग लिख सकते हैं। अब जितने टाइम में कार बी 650 किलोमीटर जा रही है उतने टाइम में कार ए कितनी दूर जाएगी, तो सिंपली हमने ए लिखा उसके सामने ए का रेशियो 3 है। अब जो गिवन है लास्ट क्वेश्चन में टोटल गिवन था इसलिए हमने टोटल ले लिया था, रेशियो दोनों का ऐड कर दिया 2+3 5 कर दिया, इस केस में क्या है टोटल गिवन नहीं है बी का पार्ट गिवन है, तो बी का पार्ट बी का जो रेशियो वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में जितना दिया हुआ है वो, तो 5 13 13 5 65 होता है तो 130 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 390 किलोमीटर, दैट मींस अगर कार बी 650 किलोमीटर जाएगी तो उतने ही टाइम में कार ए हमारी 390 किलोमीटर जाएगी। तो ये रेशियो कुछ और भी यूजेज है बट आपकी क्लास में अभी आपको इतना ही आएगा, इसमें इतना कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा, आपकी क्वेश्चन में जो दिया हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे कर लेंगे सॉल्व। चलिए जैसे हमने अभी रेशियो के बारे में थोड़ा सीखा है तो ये 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, उससे क्या होगा थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसको ट्राई करना है प्रैक्टिस करनी है, और उससे पहले ट्राई दीज और जो एग्जांपल्स हैं उनको भी करना है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो या कमेंट्स में आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हो, तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज जो चाहिए वो तो आई जाएगी, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कोई नहीं समझ में आ रहा तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है स्पीड ऑफ द साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड है दोनों की, स्पीड का रेशियो निकालना है, स्पीड साइकिल की सी से ऐड कर दी हमने और स्पीड स्कूटर की एस से, तो ये है 15 किलोमीटर पर आवर और ये है 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रेशियो निकलता है क्वांटिटीज का वो सेम टाइप की क्वांटिटीज का निकलता है, जैसे कि यहां पे किलोमीटर यहां पे किलोमीटर तो ठीक है, अगर यहां पे किलोमीटर होता लेकिन यहां पे मीटर होता या सेंटीमीटर होता या डेकामीटर या हेक्टोमीटर जो भी कुछ होता
तो पहले उस उनको दोनों को सेम टाइप की क्वांटिटीज में लेके आते तभी रेशियो निकालते। अब ये तो बिल्कुल इजी है, जैसे 15 1 15 और 15 2 30 तो 1:2। देखिए बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार बता देता हूँ, स्पीड ऑफ साइकिल है 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमने राइट कर दिया स्पीड ऑफ साइकिल के नीचे, और स्पीड ऑफ स्कूटर है 30 किलोमीटर पर आवर, वो हमने स्कूटर की स्पीड के नीचे राइट कर दिया। फिर 15 पे दोनों कैंसिल हो गया, 15 1 15 15 2 30, तो 1:2 आंसर आ गया। देखिए इससे इजी क्या होगा, सिंपल 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाता है तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप क्या हो गया, इसके बाद सर सेकंड पार्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब बहुत सारे बच्चों ऐसा लग रहा होगा तो बिल्कुल छोटा सा 1:2 है, इसका भी आंसर है तो सोल्व हो गया, बट नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि सेम टाइप की क्वांटिटीज होनी चाहिए तभी रेशो सही निकलता है, ये मीटर है ये किलोमीटर है, तो या तो हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी, सबसे पहले उसको राइट कर लीजिए, ये 5 मीटर ये 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि सेम टाइप की नहीं है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये तो रहेगा 5 मीटर का 5 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 10 × 1000 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी को नहीं आता है कन्वर्ट करना तो ये यहां से सीख सकते हैं आप, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, तो 10 का 10 रखना है, किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर राइट कर देना है, तो ये हो गया कन्वर्ट। बस आप देखिए, अब ये भी मीटर है ये भी मीटर, आराम से आंसर कर सकते हैं, 5 × 5 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो गया 1:2000। एक चीज और, जब फाइनल रेशो बनता है तो उसमें मीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखते, नॉर्मल रेशो लिखा जाता है 1:2000, ये आंसर हो गया हमारा। देखिए एक बार और देख लीजिए, 5 मीटर 10 किलोमीटर ये था हमारा। तो हमने क्या किया, पहले रेशो में ऐड कर लिया फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी, 5 मीटर 10 किलोमीटर। अब इनको अभी यहां पे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, पहले को सेम टाइप की क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं या फिर इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर इसको किलोमीटर चेंज करें तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने इसको डिवाइड नहीं करके इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 10 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है 1000 मीटर, तो रखते हैं फिर 5 × 5 5 × 10। अब ये तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 × 2000 2000, तो ये रेशो हो गया आंसर हो गया। अगर आपने एक बार सेम क्वांटिटी चेंज कर ली तो उसके बाद तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, इसमें रेशो निकालना है 50 पैसा का 5 रुपीज से। तो सबसे पहले राइट करते हैं हम ऐसे ही 50 पैसा 5 रुपीज, अब इसमें भी ये रुपीज है, ये पैसा है, सेम टाइप की क्वांटिटी नहीं है, तो इनको चेंज कर लेते हैं। पहले 1 रुपी में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो हम राइट कर लेते हैं 50 पैसा, ये कितना हो जाएगा 5 × 100 पैसा, तो वही सेम चीज 50 पैसा से 1 जाए हो गया 52 जाए, 1 रुपये का कैंसिल हो गया तो 5 × 2 = 10, सिंपल 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व। 50 पैसा का 5 रुपीज से जो निकालना था तो हमने इनको ले लिया, पहले राइट कर लिया, तो ये पैसा में ये रुपीज में, तो इनको पहले रुपीज को पैसे में चेंज कर लिया, 1 रुपी में 100 पैसा होता है, तो 5 × रुपी की जगह पे 100 पैसा राइट कर दिया। अब 52 जा 100, तो ये तो 1 हो गया, 51 जा 50, तो ये 5 × 10, सिंपल आंसर हो गया। सो देखिए ये हमारा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें क्या था, हमने हमने सीख लिया कि रेशो को कैसे, हमने पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया रेशो क्या होता है, उसको कहां कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कंसेप्ट समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि आप इजीली इससे सीख सकते हो,
आगे कुछ कर सकते हो, अगर आपको हेल्प मिल रही है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको नॉलेज पूरी हो, कोई भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए। थैंक यू।